दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 19 जनवरी 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी टॉप खबरों की, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज, टाटा आईपीएल 2023 के फाइनल शेड्यूल और एशिया कप 2023 के वेन्यू के रिगार्डिंग हमें क्रिकेट से जुड़े हुए काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स हमें आज की तारीख में देखने को मिले हैं और वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हर अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज को लेकर, जहां पर तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे महामुकाबला हमें कल हैदराबाद के स्टेडियम में देखने को मिला था। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार रहा था। टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया और टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ दोहरा शतक जड़ा। जी हां, आपको बताना चाहूंगा कि भारत की तरफ से आठवां दोहरा शतक यहां पर उन्होंने जड़ दिया है और भाई इसके साथ भाई काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड शुभमन गिल ने तोड़े थे, लेकिन दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपने 50 ओवर में 349 रन बनाए थे। 350 रनों का एक विशाल टारगेट यहां पर न्यूजीलैंड की टीम के सामने था और न्यूजीलैंड की टीम ने सस्ते में अपने टॉप पांच बल्लेबाजों को गवा दिया था, जहां पर भाई ऐसा लगभग बीच में ही कंफर्म हो चुका था कि भाई जो मैच है टीम इंडिया की झोली में आ चुका है। लेकिन दोस्तों नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने उतरे माइकल ब्रेसवेल, उन्होंने जो बल्लेबाजी की सीरियसली उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम रहने वाली है। 140 रनों की जबरदस्त पारी उन्होंने खेली, जिस दौरान भाई 10-11 लंबे लंबे छक्के भी लगाए और भाई पूरी तरह से जो मैच एक तरफा टीम इंडिया की झोली में नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सस्पेंस में फंस गया था। हालांकि लास्ट ओवर में आपको पता 21 रनों की जरूरत थी, पहली गेंद पर छक्का लगा दिया था, उसके बाद एक वाइड भी आई थी लेकिन उसे नेक्स्ट बॉल पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे, जिसके चलते शार्दुल ठाकुर ने वहां पर टीम इंडिया को रोमांचक अंदाज से मैच में जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों जिस तरह से टीम इंडिया का बॉलिंग ऑर्डर यहां पर लास्ट में जाकर कोलैप्स कर रहा था वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय यहां पर बनने वाला है। खैर दोस्तों यहां पर टीम इंडिया ने रोमांचक अंदाज से 12 रनों से जीत दर्ज करके तीन मैचों की वनडे सीरीज में फिलहाल 1-0 से लीड हासिल कर ली है और इस सीरीज का दूसरा वनडे महामुकाबला अब हमें 21 जनवरी को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से रायपुर के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। सीरीज के लिए डिसाइडर मैच होगा, भारतीय टीम अगर मैच को जीत जाएगी तो ओडीआई सीरीज को अपने नाम कर लेगी, वही न्यूजीलैंड की टीम अगर जीतती है तो 1-1 से सीरीज लेवल हो जाएगी। तीसरा वनडे हमें एज फाइनल देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस सेकंड ओडीआई महामुकाबले में हमें भारत की प्लेइंग 11 में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि एक छोटा सा चेंज हो सकता है कि भाई उमरान मलिक को एक बार फिर से प्लेइंग 11 में यहां पर शामिल किया जाए, लेकिन दोस्तों कोई खास चेंज हमें यहां पर डेफिनेटली देखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2023 को लेकर, जहां पर बीसीसीआई और आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट कर रही सभी टीमें फिलहाल अपने सीजन की तैयारियों में जुट चुकी है। सभी टीमों ने अपने खतरनाक स्क्वाड भी तैयार कर लिए, इसी बीच यहां पर आईपीएल 2023 के शेड्यूल को लेकर हमें बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला, जहां पर अभी से कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी लोगों तक अपडेट पहुंचाया था कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2023 में हमें आईपीएल 2023 का पूरा शेड्यूल देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच कल यहां पर एक बहुत ही बड़ा हिंट हमें बीसीसीआई के सोर्सेज की तरफ से देखने को मिला, जहां पर भाई ऐसा बताया जा रहा है कि आईपीएल 2023 का पहला महामुकाबला हमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच देखने को मिलने वाला है। दोनों ही टीमों की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस मैच को यहां पर होस्ट किया जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि भाई नियमों के मुताबिक जो टीमें लास्ट सीजन के फाइनल में पहुंचती हैं वही दोनों टीमें नेक्स्ट सीजन का ओपनर मैच खेलती है, लेकिन दोस्तों अब की बार यहां पर हमें बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर आपको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी कि वह आईपीएल 2023 उनके करियर का अंतिम आईपीएल सीजन होने वाला है और इसी बीच यहां पर सीएसके को अपने नए कप्तान की तलाश है। सोर्सेज ऐसा भी क्लेम करेगी भाई 20 में महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी छोड़ सकते, किसी नए खिलाड़ी को अपनी टीम का कप्तान बना सकते। इसी बीच यहां पर आपको याद होगा कि आईपीएल
IPL 2023 की नीलामी के दौरान चेन्नई सुपर किंग की टीम ने अपने स्क्वाड में बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपए में शामिल किया था। और भाई उन्हीं के अंदर अब टीम चेन्नई सुपर किंग अपने नए कप्तान की तलाश पूरा करना चाहती है। बेन स्टोक्स हमें इस टीम के नए कप्तान के पद पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर महेंद्र सिंह धोनी पूरा सीजन में कंटिन्यू रहते हैं तो ऐसे में भाई अपकमिंग सीजन में हमें वेज कैप्टन देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर बीच में महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी छोड़ देते हैं तो ऐसे में यहां पर बेन स्टोक्स हमें इस टीम की कप्तानी संभालते हुए नजर आने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है वुमेन्स आईपीएल 2023 को लेकर, जहां पर बीसीसीआई फिलहाल इन एंगुरल सीजन की तैयारियों में जुटी हुई। आपको पता है भाई डिजिटल मीडिया राइट्स की सेल हो चुकी है भाई 951 करोड़ रुपए की, बहुत ही बड़ी बोली वाइको मीटिंग कंपनी लगाई थी, जहां पर भाई एक मैच की वैल्यू आपकी यहां पर लगभग 7.5-7.75 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। और इसी बीच यहां पर भाई टीमों के ऑक्शन को लेकर बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर आने वाले 3-4 दिनों के अंदर टीमों की नीलामी होगी। पहले भाई ऐसा बताया जा रहा है कि आरसीबी की टीम यहां पर टॉप बिडर नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों अब यहां पर आरसीबी टीम थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड नजर आ रही है। रीजन खैर अभी तक मुझे तो सीरियसली नहीं पता, लेकिन दोस्तों आरसीबी टीम यहां से थोड़ा सा बैकआउट करती हुई नजर आ रही है। यानी भाई आरसीबी की टीम यहां पर अब थोड़ा सा लो इन्वेस्ट करने वाली है, जिसके चलते भाई बाकी फ्रेंचाइजी यहां पर आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर, जी हाँ बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर भाई आपको पता है कि एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल फिलहाल एशिया कप की होस्टिंग को लेकर बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है, क्योंकि भाई नियमों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास होस्टिंग राइट्स है और भाई भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी नहीं, जिसके चलते अभी से कुछ टाइम पहले हमें एसीसी के प्रेसिडेंट जय सर की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिले थे, जहां पर भाई उन्होंने ऐसा कंफर्म किया था कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हमें एशिया कप देखने को मिलेगा। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पर काफी ज्यादा निराश जरूर हुआ था, लेकिन दोस्तों अब न्यूट्रल वेन्यू के एग्रीमेंट को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जहां पर यूएई या फिर श्रीलंका, इन दोनों में से किसी एक कंट्री में हमें एशिया कप 2023 देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आपकी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, जहां पर भाई आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर में यह शानदार टूर्नामेंट हमें भारत में देखने को मिलने वाला है। और भाई साल के पहले दिन बीसीसीआई की मीटिंग हुई थी, जहां पर बीसीसीआई ने 20 नामों को तय किया था जो वर्ल्ड कप में हमें टीम इंडिया का हिस्सा देखने को मिलेंगे। इतने टाइम पहले टीम को चुन लेना थोड़ा सा अजीब जरूर लगा था, लेकिन दोस्तों 15 सदस्यीय भारतीय टीम के ऊपर लगातार बीसीसीआई अपना काम कर रही है। आपके मुताबिक किन 15 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके ट्रेंड इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।